हेलो सत्यम, हाउ आर यू? गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स कि आपका रैंक 8 है। ये बहुत बड़ी बात है, सिंगल डिजिट का रैंक है। ऑन गेटिंग रैंक 8 इन दिस ईयर एसएससी एग्जाम्स में बहुत अच्छी बात है। और कौन सा पोस्ट थैंक लिया आपने सत्यम? यू। जीएसटी इंस्पेक्टर मैम। जीएसटी। और जीएसटी ही क्यों चुना? अच्छा, मैम होम स्टेट में वैकेंसी थी मैम, इसकी इनकम टैक्स की होम ओके। स्टेट में वैकेंसी नहीं थी, इसलिए जीएसटी को प्रेफर कहाँ किया। से हो सत्यम? देवघर झारखंड से। तब तो आप मेरे जगह से ही हो, तो आपको और भी मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। क्लासेस में झारखंड, सुनते ही थे आप यहाँ हाँ मैं भी जमशेदपुर झारखंड से से हूँ। झारखंड का नाम रोशन कर दिया। सबसे पहले तो मीटअप के लिए रेडी रहना है, आए। यस मैम। ठीक है? मीटअप के लिए रेडी रहना, और डांस परफॉर्मेंस के साथ आप मेरे स्पेशल के। वैसे मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे स्पेशल ही है, बट झारखंड वाले थोड़े ज्यादा स्पेशल है। ओके, और झारखंड से जब भी मिलने आओगे देवघर से, तो प्रसाद जरूर लेके आना। यस मैम। पेड़ा यहाँ होता है देवघर का। हाँ, देवघर का पेड़ा तो बड़ा टेस्टी होता है। चलो एक बार बताओ कि जब रिजल्ट तो काफी लेट से आया, तो यस मैम। रिजल्ट रिजल्ट आपने खुद देखा था? ओके, नो मैम, मेरे फ्रेंड ने बताया। मैं शादी का फंक्शन अटेंड कर रहा था, वहाँ रात में था, 11:30 बजे के करीब रिजल्ट आया। फ्रेंड का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया है, तो उसने डायरेक्ट चेक करके बताया कि आपका ये रैंक है। ऐसा तो नहीं लगा ना कि कहीं मेरा दोस्त कुछ मजाक उजाक प्रैंक वगैरह तो नहीं कर रहा है? नहीं, वो साथ में उसका अभी सिलेक्शन हो गया है, ASO CSS में सिलेक्टेड है। वो अच्छा, वो 500 इसी साल हुआ है या पहले से सिलेक्टेड है? इसी साल है। हम लोग साथ में तैयारी कर रहे थे दोनों फ्रेंड, अनिकेत राज नाम है। अनिकेत। अच्छा, वो अनअकैडमी पे ही थे? अनकेडमी पे, अनकेडमी आपकी तैयारी कहाँ से हुई थी? आप मेरे यूट्यूब से किया था या अनअकैडमी? यूट्यूब अनकेडमी दोनों जगह। दोनों पहले यूट्यूब में आए होंगे। हाँ, फिर अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिए थे। आप जहाँ जहाँ प्रैक्टिस सेशन कराते थे यूट्यूब में, हर जगह प्रैक्टिस सेशन करते हैं। अनकेडमी के स्पेशल क्लास में जहाँ से भी प्रैक्टिस होता था, हर जगह से प्रैक्टिस करना। हर जगह से, मतलब प्रैक्टिस आपने बहुत ज्यादा की। और यस मैम। सत्यम, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? ओके, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मैम। मेरा ग्रेजुएशन 2022 में हुआ है, तो 2021 का CGL में अपियरिंग ईयर में मैंने दिया था। फुल फ्लेजेड तैयारी नहीं होगी उस समय तो? उस समय मैंने 2020 से ही तैयारी कर दिया था, कोरोना था, लॉकडाउन पीरियड था, तो 2022 के जून मंथ से लगभग तैयारी स्टार्ट किया था। तैयारी शुरू कर दी थी। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, कुछ इंटरेस्टिंग थिंग जो आपकी जर्नी के दौरान हुई होगी। कभी मुझ पे गुस्सा आया होगा? आप गुस्सा कैसे आएगा, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं आप। कुछ मतलब इंग्लिश में, मतलब कभी कभी ना इंग्लिश का कोई ऐसा पोर्शन जो आपको लगता है कि मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, परेशान हो जाते थे, पता नहीं क्या होगा एग्जाम में, हो पाएगा कि नहीं, मतलब जहां पे आपने बहुत स्ट्रगल किया है। मॉक्स में जैसे कि स्कोर थोड़ा सा कम ही रह जाता था, कभी जैसे वोकैब न्यू आ जाता था, तो वोकैब के एक दो वर्ड्स वो गलत हो जाते थे, लिख लेते थे, तो और PQRS के भी कभी कभी एक दो एरर हो जाता था। तो मतलब 42-45 ऐसे रहता था स्कोर, 50 टीयर वन का जब मॉक देते थे तो अक्सर, कभी 50-50 नहीं रहता था इंग्लिश में बहुत, तो मतलब कि। और फिर टीयर टू के मॉक में भी कुछ कुछ गलती हो जाते थे, तो फिर बाद में प्रैक्टिस किया। जैसे कि अब एरर वाला पोर्शन अब इजी आ रहा है, जैसे एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ये सब इजी आ रहा है। वोकेबलरी भी प्रीवियस बेस्ड है, तो मेनली फोकस था। आपका बैच भी आता था अलग से, PQRS का बैच, क्लोज टेस्ट पैसेज, उसको फॉलो किए थे, तो उससे अच्छा हुआ है। क्या था आपका मेंस का स्कोर? 131 था। 131 था? वेरी गुड। कहाँ रॉन्ग हो गया? 135 में 131, वेरी गुड। एक वोकैब का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। वो क्या आपका रॉन्ग हो गया था? कुछ नया था या पढ़ा हुआ था? न्यू था, कुछ कुछ नया, याद नहीं। चलो कोई बात नहीं। और PQRS का लेवल तो बहुत टफ है, मतलब बहुत अच्छा टफ हो आया था गया। वो, सही यस मैम। था, वो सारा सही हो गया मैम। सारा सही हो गया। मतलब इस बार आप, मतलब मेंस का पेपर देने के बाद तो हर स्टूडेंट को ये पता चल ही गया होगा कि आपको पैसेज PQRS पे ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि ग्रामर का लेवल इजी आ रहा है। यस मैम। और पेरेंट्स का क्या है रिएक्शन? पेरेंट्स कैसे फील कर रहे हैं? बच्चा ऑल इंडिया रैंक 8 चलाया है, तो सब बहुत खुश बड़ी बात हैं, है। सभी रिलेटिव फोन कर रहे हैं, सभी खुश हैं, बधाई दे रहे हैं, सभी खुश हैं सर। सभी बधाई दे। ऐसा भी सुनने को मिला कि अरे बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है, बच्चा ऐसा टाइप से कुछ सुनने को मिला, या सब पॉजिटिव पॉजिटिव था? अभी सब पॉजिटिव पॉजिटिव था, क्योंकि रनिंग ईयर में निकल गया, 2022 में ग्रेजुएशन हुआ और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, तो अभी बहुत बड़ी बात पास। है। इस इतने कम एज में ना आप लोग, मतलब हैट्स ऑफ, 131 लाए हो। मैं भी देती तो मेरा भी 131 नहीं आता, आप तो मुझसे आगे निकल गए हो, मेरा भी नंबर कट जाता। 131 जो बच्चा ला रहा है एग्जाम हॉल में बैठ के, बहुत बड़ी बात है। और ये क्या था, कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड क्या बोलना चाहोगे इस बार ना बहुत सारे बच्चों का? अच्छा, आपका ओवरऑल स्कोर कितना था सत्यम? 351 था मैम। 351। ओके, क्योंकि और ना कंप्यूटर में 30 था कंप्यूटर। एक दो बच्चे हमारे बिहार से काफी मोटिवेटेड थे, मतलब डिमोटिवेटेड थे, उनका फोन आया था,
उनका 360 आया है बट कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्या बोलना चाहोगे इस बार बच्चों के लिए? कंप्यूटर को लाइटली नहीं लेना है। बिल्कुल नहीं मैम, कंप्यूटर पहले जैसे दिल्ली पुलिस में आता था प्रीवियस ईयर, वो सब पहले देखे थे प्रिपरेशन के टाइम में, तो वहाँ वो इजी लेवल था थोड़ा, और एग्जाम लेवल में सीजीएल में वो थोड़ा सा टफ भी पूछा इस बार। तो लास्ट टाइम में लगभग मतलब 15-20 दिन सिर्फ कंप्यूटर पे ही समय जा रहा था, कंप्यूटर को तैयारी कर रहा था कि इसके वजह से कुछ रह ना जाए। और कैसे किया था अपने कंप्यूटर का प्रिपरेशन? जैसे कि सिलेबस के एक एक टॉपिक को यूट्यूब में सर्च कर लेना है, यूट्यूब में कुछ कुछ वीडियो आ रहा था उससे रिलेटेड, या गूगल सर्च कर लेना है, और फिर आरबी चैनल में शुभम जैन सर का, राधिका मैम है उसमें, वो पढ़ाती थी, उनका वीडियो लेक्चर भी पढ़ाते हैं। और फिर वो पीडीएफ भी दिए थे, वो सबसे पीडीएफ से भी। हाँ तो बच्चों को देखो, शुभम एक आपको सोर्स बता रहे हैं। देखो मेरा काम क्या है, बच्चों को जहां से फायदा हो जाए। अब इंग्लिश में आप 135 में 131 ही ले आओ, लेकिन अगर कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली मुझे भी तो सिलेक्शन चाहिए ना। तो बच्चों से आप, बच्चे जब स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं तो मैं बाकी बच्चों से भी बोलूंगी, जो बच्चा हमारा कंप्यूटर में स्ट्रगल कर रहा है, तो जो जो बच्चे अपना सोर्स को शेयर कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप उस सोर्स को देखिए, आपको पसंद आए तो वहां से जाके बैच करिए। और कंप्यूटर का लेवल कैसा था शुभम? शुभम नहीं सत्यम, टफ था मैम, मुझे तो टफ लगा क्योंकि कंप्यूटर मेरा उतना बेसिक स्ट्रांग नहीं था मेरा सारा, मुझे स्टार्टिंग से मुझे पढ़ना पड़ा अच्छा से। कितने मार्क्स थे कंप्यूटर में? 30 मार्क्स था मैम, 30 30 मार्क्स थे। वही है ना, इस बार बच्चों ने कंप्यूटर को लाइटली ले लिया है, लेकिन अब शायद बच्चे बहुत सीरियस हो जाएंगे, उन्हें लगा कि बेसिक आएगा, बहुत ध्यान नहीं दिया। और इस बार इसलिए मैं इस आपके साथ इंटरव्यू में ना कंप्यूटर के बारे में ही ज्यादा बात कर रही हूँ, क्योंकि जनरली हम लोग इंग्लिश मैथ्स जीएस को लेके बात करते हैं। और जीएस कैसा था, जीएस का स्कोर? जीएस में 44 था मैम। जीएस में 44 था, कहाँ से पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? जीएस तो मैम खुद से ही ऐसे प्रैक्टिस सेशन एग्जाम। ओके, तो इस बार जो बच्चे हमारे सीजीएल देने वाले हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप? कौन ऐसा मेन चीज है जो एग्जाम देते समय आपको ध्यान में रखना है? कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकालने का, खास करके वन डे एग्जाम निकालने का मूल मंत्र क्या होना चाहिए? सबसे पहले डरना नहीं है मैम, बहुत कोई मतलब प्रेशर सिचुएशन में आ जाते हैं, मतलब घर में बैठते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं, और एग्जाम एग्जाम के प्रेशर में इजी चीज भी भूल जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, इसीलिए ये सबको अवॉइड करना। और वन डे एग्जाम अब जैसे सिर्फ टीयर 2 ही डिसाइडिंग फैक्टर है, तो और भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिली एरर बिल्कुल ना होना चाहिए। मैं तो ये मान के चलूंगी ना कि मेरा ये रियल चैंपियन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया है, बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दिया, इतनी कम एज में निकाल दिया, ज्यादा टाइम वगैरह आपका वेस्ट नहीं हुआ है। तो एक बार मैं चाहूंगी, एक बार आप जीएसटी इंस्पेक्टर के पूरे यूनिफॉर्म के साथ आप आके मुझसे मिलो। यस मैम। ओके, एकदम आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मैं बहुत, और मम्मी पापा को भी कॉन्ग्रेट्स बोल दीजिएगा कि मैम ने कॉन्ग्रेट्स बोला है। यस मैम। सब लोग बहुत खुश होंगे। जी मैम, बहुत खुश है सब। और इस बार का तो देना नहीं है ना सीजीएल? नहीं मैम, अब नहीं देना है। अभी कर क्या रहे हो, रिजल्ट जब से आया है 2-3 दिन हो गया है, क्या क्या कर रहे हो? अभी एंजॉय कर रहे हैं बस, शादी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। शादी फंक्शन में एकदम कॉन्फिडेंस में जा रहे होगे, रिलेटिव से एकदम सामने जा के मिल रहे होगे कि भाई मिल के बताना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, अब तो आपकी लाइफ का एक नया इनिंग शुरू हो रहा है, तो वैसे ही जाइए, लाइफ में ग्रो करिए, और बहुत अच्छी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सही समय पे सही एग्जाम निकाल कर अपने अपनी लाइफ को सेट कर लिया। काफी सारे बच्चे ना डिमोटिवेटेड हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों का कंप्यूटर की वजह से नहीं हो पाया है, तो बस वही क्या बोलना चाहोगे उनको? इस बार नहीं, अगली बार हो जाएगा, अगली बार लगे रहना, बस लगे रहना। चलो, और भी कुछ शेयर करना चाहोगे सत्यम? आपसे बात करके अच्छा लगा, मतलब 2020 से जुड़े हुए थे लगभग, 2020 से जुड़े हुए थे। YouTube में सारा सेशन, आपको अच्छी लगी अनअकैडमी का? आपका जितना भी बैचेस, आप स्पेसिफिक बैच जैसे प्रोवाइड होता था वो बहुत अच्छा चीज है, जैसे कि PQRS के लिए स्पेसिफिक हो गया, समुद्र मंथन, और वन वर्ड और idiom का भी आपने स्पेसिफिक बैच लाया था, उससे भी बहुत हेल्प हुआ था। उसको रटवाया था क्लास में जोड़ जोड़ के। आपका निमोनिक्स टेक्निक, वो भी बहुत हेल्प हुआ याद करने में। वोकैब में शुरुआत में बहुत दिक्कत होता था, फिर आपके हेल्प से बहुत वो आसान हो गया। बार 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 बच्चों का कंप्लेन होता है मैम भूल जाते हैं, लेकिन बार बार रिविजन करने से। अच्छा, मैं ये जानना चाहती थी ना कि अनअकैडमी का कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा?
मतलब कोई चीज जो अनअकैडमी का आपको अच्छा लगा था, जैसे बहुत सारे बच्चों को ना पोल ऑप्शन पसंद आता था, बहुत सारे बच्चों को रेज योर हैंड, जहाँ स्टूडेंट से डायरेक्टली बात हो जाती थी। वहां तो मैं रिकॉर्डेड क्लास ही देखता था अक्सर, वहाँ लाइव सेशन हमेशा रिकॉर्डेड देखते थे। मतलब आप मेरे डार्क हॉर्स हो। कई बच्चे यस मैम। ऐसे होते थे ना मेरे लास्ट में डार्क हॉर्स अनएक्सपेक्टेड विनर बन के आते थे। यही मैं यस बच्चों को मैम। बोलती हूँ, बच्चे जब मुझसे बोलते हैं लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो, मैं खुद बोलती हूँ रिकॉर्डेड में डिस्टरबेंस कम होता है, अपनी स्पीड अपना थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखते होगे, यस मैम यस मैम। स्पीड बढ़ा के। यस स्पीड बढ़ा के देखते होगे। और मैम। आपके और भाई बहन भी कोई तैयारी कर रहे हैं एसएससी की? नो मैम, सिंगल चाइल्ड हैं। अच्छा, आप सिंगल चाइल्ड हो। ओके, तो चलो बहुत अच्छी बात है। आराम से घूमिए, एंजॉय करिए लाइफ को। जब तक आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जा रहा है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं कर रहे, क्या कर रहे, जो जो लाइफ में करना चाहते थे, बहुत अच्छा मौका है, खुल के एंजॉय करिए। ठीक यस है मैम। सत्यम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स को एक बार बता दूं, जो बच्चे लेट से जुड़े होंगे, कि ही इज सत्यम, जिनका ऑल इंडिया रैंक 8 आया है, और इन्होंने जीएसटी इंस्पेक्टर को ऑप्ट किया है। ये थोड़े नॉस्टैल्जिक थे, इनको थोड़ा अपना होम टाउन को लेकर होम सिकनेस था, तो इनको लगा कि नहीं वहां पे वैकेंसी है, मुझे यहीं रहना है, कुछ जीएसटी वगैरह में हेल्प हो जाएगी मेरी जब काम पड़ेगा। यस मैम। चलो ठीक है, थैंक यू सत्यम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम।